गुरुग्राम में जज की पत्नी और बेटे को छलनी करने वाला ये वीडियो लोगों के जहन में अब तक ताजा है। इस वीडियो में दिख रहा जज का सुरक्षा गार्ड महिपाल अब पुलिस की गिरफ्त में है और वो पुलिस के सामने सब बक रहा है। उसने स्वीकार किया है कि उसने गुस्से में जज की पत्नी और बेटे को गोली मारी थी। महिपाल ने इनिशियल पूछताछ में ही अपना जुर्म कबूला। उसने बताया कि उसके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है। उसने ही जो घायल है ध्रुव और उसकी जो मदर है जिनका मृत्यु हो चुकी है श्रीमती ऋतु, उनके ऊपर गोलियां चलाई थी। इतना ही नहीं, गोलीकांड करने के बाद आरोपी महिपाल ने अपनी बीवी, अपने मामा के लड़के और जज को फोन करके ये बात बताई थी कि उसने जज की पत्नी और बेटे को गोली मार दी। केस से संबंधित जो लोग इम्पोर्टेंट हैं उनके बारे में आपसे बात करूं तो उसने जज साहब से बात की, उसने वाइफ से बात की, उसने अपने मामा के लड़के से बात की है। उनसे सभी से अलग अलग करके उसने यही बताया है कि मैंने काम कर दिया है और दिस इज द सिचुएशन और अब मैं फरार। महिपाल पुलिस के रिमांड पर है और पुलिस ये जानने की कोशिश में लगी है कि आखिर वो वजह क्या थी जिसको लेकर महिपाल नाराज हुआ और उसने इतने भयानक गोलीकांड को अंजाम दिया।